आई होप कि जितना मैं समझ गया यू ऑल हैव फॉर्मुलेटेड अ वेरी नाइस पीरियोडिक टेबल एंड उसको बनाने के बाद यू ऑल हैव मेड इट इन अ वेरी नाइस मैनर ते आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुसी उसको जिथे भी तुसी लेटते हो रेस्ट करते हो या पढ़ते हो बैठ के यू ऑल हैव पेस्टेड इट देयर बट इट विल बी वेरी 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 हेल्पफुल टू यू ठीक है ना so just follow as I tell you so aaj apan usi cheez nu continue karange and we'll be going a bit more into the periodic table so us din apan is the classification into blocks kiti si if you remember these were s block elements these are p block elements this comprises d block 1 2 3 4 etc and After barium, atomic number 56, is to about 57. 57 and 72, which are, there are 14 elements which are called lanthanoids. And radium, 88, 89. And then in between 89 and 104, there are again 14 elements known as actinides. So, bache, This is all we have already studied. Again, मैं समझाता हूँ कि जो S block elements हैं and P block elements, उन्होंने अपने की क्या सी बचे? They were called representative elements because the last electron enters into the outermost shell. जो D block elements हैं, they were called transition elements because on the left side they there are all metals. And right side to the first non-metal stars, that is boron. And again, जो F block elements हैं, जो नीचे दो lines आप अपने रखे होंगे हैं, 14 elements दिया, those are called inner transition elements because वो transition elements थे which बनिया होंगे हैं, ठीक है? So now, तो नो periodic table बारे एक दो चीज़ा आप अपन cover करेंगे। अगेन तुसी उसके शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं एंड जो आप क्लासीफाई करांगे इनटू मेटल्स नॉन मेटल्स तो आई अगेन रिक्वेस्ट यू कि तुसी एंड ही एक रफ जा पीरियोडिक टेबल दोबारा बना लो एंड उसी के ऊपर मार्क करो ठीक है सो हुन देखो बच्चे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो पीरियोडिक टेबल है इट इज कंप्राइज्ड ऑफ 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स सेवन पीरियड्स थे 1 2 3 4 5 6 7 सो दीज हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स अपने को फर्स्ट पीरियड के विच कितने एलिमेंट्स हैं दो हाइड्रोजन एंड हीलियम सेकंड 8 थर्ड 8 फोर्थ 18 फिफ्थ 18 सिक्स 32 सेवंथ 32 फाइन एंड इट कंप्राइजेस 18 ग्रुप्स So, दो S block ने, 10 D block ने, 6 P block ने, F block remains within the D block. ठीक है ना? So, we have 18 groups and these vertical columns. अपन हम vertical columns में क्या कहते हैं? Groups. So, the periodic table is made up of 7 periods and 18 groups बचे. Now, जितने भी तुम पढ़ रहे हो अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हो उसे एक चीज जरूर बना लियो एक रफ एकदम रेक्टेंगल बना के सो बेसिकली दिस रफ रेक्टेंगल स्पेसिफाइज आवर पीरियोडिक टेबल व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो उसे लिखना है कि जो मेटालिक कैरेक्टर है मेटालिक कैरेक्टर इट डिक्रीजेस व्हाइल नॉन मेटालिक कैरेक्टर increases and while coming down in a particular group jo metallic character that increases and non metallic character it decreases but you make it a habit to jo increase decrease usko specify karna when arrows hai na apa increase liye use karte hain upward arrow कोई साइंटिफिक सिंबल नहीं है आप एग्जाम चीज नहीं कर सकते जस्ट फॉर द नोट्स है ना जो डाउनवर्ड एरो है दैट इज फॉर डिक्रीज और अगर कोई चीज सेम रहती है तो उसके लिए
ठीक है, विल यूज दीज एरोस नाउ. सो बच्चे व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज इन अ पर्टिकुलर पीरियड, और अगर मैं समझूंगा कि सोडियम फैमिली, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, मतलब दीज आर नोबल गैसेस, मतलब स्टार्टिंग हो टिल क्लोरीन, सबसे ज्यादा मेटालिक कौन है? सोडियम. सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कौन है? क्लोरीन. सो इन अ पर्टिकुलर पीरियड व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये सब अपन डिटेल में भी करेंगे, बट एक बार आज के टॉपिक को समझने लगे. While moving in a period from left to right, the metallic character decreases, non-metallic character increases. Now, in a particular group, so अगर मैं इस ग्रुप की बात करूँ, सबसे ज़्यादा metallic कौन है? Francium. ठीक है? So in a particular group, the metallic character increases, coming down, while the non-metallic character decreases. अगर मैं सुनूँ तो कौन? कि देखो ये सारे non-metallic हैं. जो सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कौन है? फ्लोरीन. बिकॉज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक ए है, सबसे कम नॉन मेटेलिक एस्टरनिन. सो यू गेटिंग द पॉइंट? फाइन. सो इन अ पर्टिकुलर पीरियड मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. In a particular group, moving from top to bottom, metallic character increases, non-metallic character decreases. Getting? So, when we mark non-metals, metals, metalloids, we mark periodic tables. Okay? So, bache, now based upon these observations, which I have made, which is the most metallic element, which is the most electropositive element in the periodic table? Puri periodic table ch sabto zyada metallic element ke liye zara check karke nazar sunne ke marks ki answer aata hai. Just give it a thought. Very easy to pick. Puri periodic table ch sabto zyada metallic element ke liye. So haan ji, so dekho bache, फर्स्ट ऑफ ऑल आप आने कि ग्रुप सबसे ज्यादा मेटालिक है. सो इधर को जाते वक्त मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. सो सबसे ज्यादा मेटालिक कौन है? ए ग्रुप. हुन एक ग्रुप के विच नीचे आने वक्त मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. सो सबसे ज्यादा मेटालिक कौन है? फ्रेंशियम. सो पूरे पीरियोडिक टेबल च द मोस्ट मेटालिक एलिमेंट क्या हो गया बच्चे? फ्रेंशियम. बट सिंस आप कहने हैं कि फ्रेंशियम इज रेडियोएक्टिव, बच्चे याद रखना है बिस्मथ, एटॉमिक नंबर 83, दिस इज द लास्ट स्टेबल एलिमेंट. बस ऐसा नहीं कुछ चीज है जिन्हें कि अपन बिट्स एंड बाइट्स अलग अलग चैप्टर्स चाहनी है, एंड आई वॉन्ट टू सम देम अप इन अ सिंगल टेबल ताकि अपन वो चीजें याद हो जाए. ठीक है ना? अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर च एक टॉपिक किया था ना लास्ट चैप्टर च, रेडियो एक्टिविटी, कि कई न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं एंड दे ब्रेक डाउन टू फॉर्म स्मॉलर एलिमेंट्स, एंड ड्यूरिंग दिस दे रिलीज थ्री टाइप्स ऑफ रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज. सबको याद होएगा ना? सो सॉरी बिस्मथ. सो बिस्मथ इज द लास्ट स्टेबल एलिमेंट बच्चे, बिस्मथ एटॉमिक नंबर 83. उस तो बाद वाली सारे एलिमेंट्स आर रेडियोएक्टिव, मतलब 84 तो लेके 118 तक दे ऑल आर रेडियोएक्टिव. एंड दैट इज व्हाई जितना मैं सुनो कल किया सी कि अपन एफ क्लॉक को ज्यादा स्टडी क्यों नहीं करते, बिकॉज एक्टिनॉइड सीरीज तो बच्चे पूरी की पूरी रेडियोएक्टिव है, क्योंकि एक्टिनॉइड का एटॉमिक नंबर स्टार्ट ही कितना होता है 89 तो बाद 90 तो, एंड आफ्टर 83 दे ऑल आर अनस्टेबल. सो पूरी की पूरी एक्टिनॉइड सीरीज इज अनस्टेबल रेडियोएक्टिव. सो बच्चे बिस्मथ इज द लास्ट स्टेबल एलिमेंट. सो जो फ्रेंशियम है एटॉमिक नंबर 87 वो भी रेडियोएक्टिव आ गया. सो इसलिए जिन्हें भी नोन एलिमेंट्स है, जो स्टेबल एलिमेंट्स है एग्जिस्ट कर रही है, उन्होंने जो मोस्ट मेटालिक कौन होया? सीजियम. सो सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. सो दिस इज मोस्ट, एक बार मैं मेटालिक लिखा है, मोस्ट मेटालिक, बट जो प्रॉपर टेक्निकल वर्ड है तो नोट कर लियो, दैट इज कॉल्ड मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. ठीक है?
Now, come on to the most strongest non-metal keda. Most non-metal, mostly jada ki most electronegative hai. Strongest non-metal. So, while moving right in the periodic table, aapka ne ki kya hai? Non-metallic character increases. So, sab to strong non-metals ke liye hai. So these are the strongest of the non-metals. Further in the group, niche aane baad non-metallic character decreases. So idhar vichon sabse strong kaun hai? Fluorine. So fluorine is the most electronegative element. The again I'm writing it as most non-metallic. So this is the strongest electronegative element, strongest non-metal in the periodic table. So apne do cheeza kar liye. Hum dekho bache. Now you can't classify. Apa ye nahi keh sakte ki sir non-metals kede kede hai, ha na? Kyunki variation ho rahi hai. To isse kuch socho. Agar main is group ki gal kara, this is the strongest metal. A is to weak hai. A is to weak hai. Is potassium to bhi weak hai. Lithium बहुत ज़्यादा weak है. Lithium is the weakest non-metal. Hydrogen में बच्चे खुद ही non-metal है, but आप उसको count नहीं कराएंगे क्योंकि hydrogen की position अलग भी fix नहीं है. आप इतना सीधा Mendeleev's law है कि hydrogen की position अलग भी fix नहीं है, ठीक है ना? So this is the weakest metal. हम ऐसा तो करें तब metallic character 40 degrees हो गया, ये बहुत ज़्यादा weak. फिर कैटेगरी जंप मारकर आप बोरॉन को लाए थे, एना मेटालिक कैरेक्टर वीक हो चुका है कि बोरॉन इज योर फर्स्ट नॉन मेटल. सो एथो बच्चे अपने नॉन मेटल्स स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? सो बोरॉन इज द फर्स्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. हालांकि इसके ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3. तो अपनी ओरिजिनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो ये मेटल होना चाहिए, बट इट इज अ नॉन मेटल. इवन इन फैक्ट जो बेरिलियम है, बेरिलियम टू भी अपन मेटलॉइड कहने हैं. लिडियम इज अ वेरी वीक मेटल. सो देखो कितनी बढ़िया सीरीज बन रही है. आप कह रहे हैं ना कि राइट साइड पे जाते वक्त मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, तो लिडियम इज अ वेरी 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 वीक मेटल. बेरिलियम इज अ मेटलॉइड. अब आवेंगे वापस, बोरॉन इज अ नॉन मेटल. नाउ उसके बाद सेंस में नॉन मेटालिक कैरेक्टर को देखो इंक्रीज करता जाएगा, है ना? इस तो बाद तुसे की करना है, बिल्कुल सिंपल वे है नॉन मेटल्स को मार्क करने का. इस तो स्टेयर केस ऑर्डर से नीचे उतारते जाओ. देखो कितना. सो एटा नाउ, सो देखो कितना इजी है. सो जस्ट इन द स्टेयर केस ऑर्डर यू कम डाउन. सो दीज आर योर नॉन मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल. गेटिंग अ पॉइंट? सो देखो फर्स्ट लाइन में विच ओनली बोरॉन, सेकेंड लाइन कार्बन एंड सिलिकॉन, थर्ड लाइन नाइट्रोजन फॉस्फरस आर्सेनिक, फोर्थ लाइन ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम फ्लोरीन टोलियम ब्रोमीन आयोडीन एसिटिलीन. सो दी लास्ट लाइन है हेलोजन्स. इन्होंने विच सारे दे सारे की है बच्चे नॉन मेटल्स. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ अच्छा, इस तो आपको यह भी पता चलता है कि जिम्मे जिम्मे आप एकदम जा रहे हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग, क्योंकि फर्स्ट लाइन में सिर्फ एक नॉन मेटल है, दूसरी दो, तीसरी तीन, चौथी चार एंड पांचवी ऑल ऑफ देम आर नॉन मेटल्स. डन. नाउ हुन बचे मेटलॉइड्स. सो इस लाइन में विच यू हैव एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम, दे आर मेटलॉइड्स. इस लाइन में विच जर्मेनियम एंड टिन आर मेटलॉइड्स. इस लाइन में विच एंटीमनी इज अ मेटलॉइड. थैलियम, लेड, बिस्मथ, दे ऑल आर मेटल्स बच्चे, ठीक है ना? सो दीज आर मेटलॉइड्स. एंड इन एडिशन टू दीज मेटलॉइड्स, बेरिलियम इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ मेटलॉइड. बच्चे याद रखना है पूरे पीरियोडिक टेबल देर आर थ्री टिपिकल मेटलॉइड्स. मतलब टिपिकल बाय द वर्ड टिपिकल आई डोंट मीन कि इट इज डिफिकल्ट. अपन नॉर्मली टिपिकल इसलिए यूज करते हैं, टिपिकल मीन्स कि जो बार बार रिपीट होते हैं, एग्जाम क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल्स आते हैं. याद रखना है पूरे पीरियोडिक टेबल फॉर द नेक्स्ट टू ईयर्स, चंगी तरह लर्न करना है कि देर आर थ्री टिपिकल मेटलॉइड्स. कितने भी अपने नोट्स के विच राइट कॉलम पे फुट नोट बना के लिख लो, थ्री टिपिकल मेटलॉइड्स बेरिलियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक. बेरिलियम,
aluminium and zinc is also a typical metalloid. ठीक है? So these are your metalloids. हम पूरा का पूरा बाकी का periodic table it is of metals. So बच्चे बाकी का सारा periodic table metals का बना हुआ है for कोई भी non-metal या metalloid नहीं है. You getting a point? So it's now very easy to classify. These are non-metals. Circles वाले बच्चे metalloids and all are metals. In fact, एक मैं चीज और भी दस दूंगा कि beryllium and zinc जो है they are not typical metalloids. They are metals, but their metallic character is very, 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 very weak. तो इतना ज्यादा वीक होने करके आप उन्होंने metalloids की गिनती विच रख लेने हैं. अदरवाइज beryllium and zinc आर classified into metals. इस करके ना सर्कल्स इरेज कर देना है. ठीक है ना? सो अपने ध्यान च रखना है. सो दिस फाइन नाउ. सो beryllium and zinc, their properties are similar to metalloids, but they are classified into metals. However, अपन metalloids क्यों कह देने हैं? क्योंकि उनका metallic character is very, 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 very weak बच्चे. Done. So, हुन now we have classified the periodic table into metals, non-metals and metalloids. Moving further. So, बच्चे again I repeat कि तुझे separately note down करना है कि these are your typical metalloids in the periodic table. Typical metalloids, beryllium, zinc and aluminium. बच्चे देखो metalloids का अपना मतलब और कुछ नहीं है. metalloids का मतलब सिर्फ those elements जो कि are या तो very weakly metallic या very weakly non-metallic. ठीक है ना? ताकि आप अपन clearly metals या non-metals to place नहीं कर सकते. ठीक है ना? So they are called metalloids. Now, so अपन एक classify कर लिया. उन बच्चे कुछ टिपिकल टर्म्स पीरियोडिक टेबल जो अपन यूज करते हैं फॉर डिफरेंट ग्रुप्स. सो मुझे जो ग्रुप वन है फ्रॉम लिथियम टू फ्रैंशियम दे आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स. दे आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स. व्हाई दे आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स बच्चे? एल्कली इन केमिस्ट्री स्टैंड्स फॉर अ बेस. Alkali in chemistry stands for a base. ठीक है ना? Base तो समझ रहा है? Acid and base जी में है ना? So alkali stands for a basic substance. तब बच्चे जिधे यही वाले metals हैं, when you put them in water, तब जिधर solution तैयार हो रहा है, that is basic in nature. जिन्हें कि sodium plus water gives you sodium hydroxide, potassium plus water gives you potassium hydroxide. So जो group one है, group one elements है ना? देखो ग्रुप वन टू थ्री तो लेके 12, 13 तो लेके 18. सो बेसिकली आई कैन टेल यू कि ग्रुप वन टू टू, ग्रुप वन एंड टू आर कॉल्ड एस ब्लॉक, ग्रुप थ्री टू 12 आर कॉल्ड डी ब्लॉक, ग्रुप 13 टू 18 आर कॉल्ड पी ब्लॉक. हम दूसरे को भी सर एफ ब्लॉक नहीं कमांगे. सो दे ऑल आर प्लेस हियर है ना? दे ऑल आर प्लेस हियर. सो दे ऑल कम अंडर ग्रुप थ्री. ठीक है ना? F block comes under group 3. Now, so जो second group है बच्चे, this, these are called alkaline earth metals. They are called बच्चे alkaline earth metals. Again, why? देखो alkaline का मतलब तो same है. कि इन्हें अगर पानी छोंगे तो इन्हें तो solutions भी की होंगे alkaline bases. Earth. Why they are called alkaline earth metals? Because they are found in the earth's crust. है ना? जो पहले वाले हैं lithium, sodium, potassium, they are found as their salts in ocean water. जैसे कि sodium chloride, potassium chloride. जो इनले elements हैं, they are found as their salts in earth's crust. जैसे कि calcium कितने मिलता है? Calcium carbonate, limestone, marble, calcium carbonate. They all are calcium carbonate. Chalk, limestone, marble, है ना? They all are found in earth's crust. So जो group two है, इन्हों के सोल्यूशन भी पानी के एल्कलाइन होंगे बेसिस होंगे बट दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट. ठीक है? सो दे आर कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. जो ग्रुप 17 है बच्चे, ग्रुप 17
fluorine, chlorine, bromine, iodine. They are called halogens. They are called halogens. H-A-L-O-G-E-N-S. Halogens. Why they are called halogens is अब अपन plus two चाहेगा है ना, अब मतलब ज़्यादा time इस पे नहीं लगाना हमें, but कई बार क्या है question आ जाते हैं exam तो उसे सामना. So they are called halogens. Group 18 now. So अपन सब लोग पता होगा कि they are called noble gases. Group 18 they are called noble gases. ठीक है ना? So these are called noble gases. ठीक है, आप ग्रुप 18 को नोबल गैसेस भी बोल देते हैं, इनर्ट गैसेस भी बोल देते हैं. सो दीज आर सम कॉमन नेम्स फॉर डिफरेंट ग्रुप्स. अगर किसी और ग्रुप की अपन जरूरत पे कि भी डू, जिन्हें कि देखो नाइट्रोजन फैमिली में अपन नाइट्रोजन्स भी बोल देते हैं, बट उसके ऊपर प्लस वन क्वेश्चन आने चांसेस आर वेरी रेयर एंड मोर ओवर इन द फर्दर सिलेबस दे विल कम. जो मेन मेन है सुनो में दसते हैं, ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप 17 हेलोजेंस, ग्रुप 18 दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस. फाइन बच्चे, नाउ नाउ वी शैल डू कि इस पीरियोडिक टेबल के विच केड़े एलिमेंट्स आर गैसेस, केड़े एलिमेंट्स आर लिक्विड्स एंड विच एलिमेंट्स आर सॉलिड्स. ठीक है, सो बच्चे इन ऑल हाउ मेनी गैसेस आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल. मतलब अगर मैं सब क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी गैसेस आर देयर, जरा सोच के देख लो एक दो मिनट. ठीक है, सो हाउ मेनी गैसेस आर इन द पीरियोडिक टेबल. सो बच्चा अपन टैबुलेटेड फॉर्म च ना ऑन फिंगर टिप्स ये सब चीजें लर्न होनी चाहिए. मतलब इफ यू लर्न दैट इन द टैबुलेटेड फॉर्म इट बिकम्स वेरी इजी टू आंसर द क्वेश्चन. हम देखो कितनी गैसेस आते हैं. सो फर्स्टली ऑल द नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन. सो सिक्स गैसेस ए है. देन H2, हाइड्रोजन इज अ गैस, हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज H2, हाइड्रोजन इज अ गैस, नाइट्रोजन इज अ गैस, ऑक्सीजन इज अ गैस, फ्लोरीन इज अ गैस, क्लोरीन इज अ गैस. सो दीज 5 एंड प्लस नोबल गैसेस, सो इन टोटल इन द पीरियोडिक टेबल आई हैव 11 गैसेस. डन. नाउ हाउ मेनी लिक्विड्स आर देयर. सो पीरियोडिक टेबल के विच कितने लिक्विड्स आर देयर, हाउ मेनी लिक्विड्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल. सो देयर इज देयर आर जस्ट 2 लिक्विड्स. सो सब लोग बताएगा देयर इज 1 लिक्विड मेटल एंड 1 लिक्विड नॉन मेटल है ना. द ओनली लिक्विड नॉन मेटल इज ब्रोमीन. So the only liquid non-metal is bromine, and the only liquid metal. So if we are zinc, देखो zinc के नीचे cadmium, cadmium के नीचे mercury. So mercury is the only liquid metal. Done. So बच्चे बाकी का periodic table, all the periodic table, पूरा का पूरा all the elements, they all are solids. हाँ, उनमें बच्चों पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, खासतौर पे रुबीडियम एंड सीजियम, दीज आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स. जिदा आई जस्ट टेल यू, जिदा अपना वेजिटेबल घी, देसी घी होता घर है ना, अपने देसी घी नहीं होता फ्लूडिक फॉर्म च, ना तो बिल्कुल लिक्विड ना ही बिल्कुल सॉलिड. सो रुबीडियम एंड सीजियम आर ऑल्सो नोन एज लिक्विड मेटल्स बिकॉज दे आर वेरी सॉफ्ट, बट एक्चुअल दे आर नॉट लिक्विड्स. यू गेटिंग अ पॉइंट. The only liquid metal जो बिल्कुल liquid flow, liquid की तरह flow करता है, that is only mercury. And the only liquid non-metal is bromine. बाकी का बचे पूरा का पूरा periodic table is made up of solids. Done. And now, हुन metals, non-metals and metalloids. Again periodic table चल रहा है, सुनो को पूछा जा रहा है कि metals, non-metals and metalloids के लिए. Non-metals तो देखो हले भी show है. ठीक है? Metalloids के लिए क्या सीखे? एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, जर्मेनियम, टिन एंड एंडियम. इन एडिशन आपने दो और लिखे सी, जेडे की आप क्यों लिखे सी, बिकॉज दे आर वेरी वीक मेटल्स, केड़े केड़े, जिंक एंड बेरिलियम. सो इनडायरेक्टली हम सुनो की कहना चाह रहे हैं कि पी ब्लॉक
this P block is the only block in the periodic table which has metals, non-metals and metalloids in norm. So dekho, all these are non-metals, these are metalloids and these are metals. You getting the point? ठीक है ना, सो पी ब्लॉक ही एक ऐसा मेटल है पीरियोडिक टेबल के जिसके विच तीनों आते हैं मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. जो एस ब्लॉक है इट कंसिस्ट ओनली ऑफ मेटल्स, इट कंसिस्ट ओनली ऑफ मेटल्स. सो बच्चे अगेन यू कैन से सर हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, बट अगेन हाइड्रोजन की पोजिशन फिक्स नहीं है ना, अभी तक आप भी पोजिशन है 100% करेक्ट नहीं बोल रहे. सो एस ब्लॉक कंसिस्ट ओनली ऑफ मेटल्स, D block metals, F block metals. So this P block has all metals, non-metals as well as metalloids. Done. So this is a brief about periodic table. ठीक है? कुछ अपन ये last lectures कर ले ऐसी, कुछ अपन ये आज कर ले हो. इस सारे अपन मुझे उसी जो भी अपन ये gases, liquids मार पीते हैं, इन्हें अलग-अलग करके short notes से विच लिख लेना है. ठीक है ना? सो दैट अगे तो अपन कोई कंफ्यूजन ना हो कि पीरियोडिक टेबल कौन मेटल है, कौन मेटलॉइड है, कौन नॉन मेटल है, कौन लिक्विड है, कौन सॉलिड है, कौन गैस है. ठीक है, इट शुड बी वेरी 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 क्लियर टू यू. ठीक है बच्चे, नाउ हुन अपन एक और छोटा सा टॉपिक करेंगे जिसके विच अपन करेंगे कि जो एलिमेंट्स है, मतलब देखो अपन हले भी बच्चे जो नीचे वाले फोर्थ सीरीज है ट्रांजिशन सी, अपन कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, डी ब्लॉक. सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की फर्स्ट सीरीज देखी है, सेकंड, थर्ड एंड जो फोर्थ है वो हले भी इनकम्प्लीट है, हले भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो रही हैं, उन्होंने नेम्स लिखे जा रहे हैं. तो अपा उन्होंने एक बार जो नेम्स है पीरियोडिक टेबल उन्होंने प्रिडिक्ट करके रख देने हैं, वैसे लिख के रख देने हैं. सो हाउ टू नेम दोज एलिमेंट्स, जिदा जिदा वो डिस्कवर हो ही जाती है, कुछ साइंटिस्ट अपने नेम के पीछे लिख देते हैं, जिमें कि सपोज आप एग्जाम्पल्स करा कि जो एलिमेंट बोहर ने डिस्कवर की थी उन्होंने नाम बोहरियम रखता, अगर रदरफोर्ड ने की रदरफोर्डियम रखता, अगर अल्फ्रेड नोबल ने की नोबलियम रखता, एदा यू गेटिंग अ पॉइंट. सो डिस्कवर होने तो पहला जिदा आपने मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल किया कि कुछ एलीमेंट्स या प्रॉपर्टीज आप प्रिडिक्ट करके छड़ देते हैं, तो जिन्हें एलीमेंट्स को हले 118 तक जो नहीं मिली तो उन्होंने नेम्स जो है वो फिलहाल पीरियोडिक टेबल कि लिखते हैं. ठीक है ना, सो दैट विल डू नाउ. सो बच्चे बिफोर एन एलिमेंट इज डिस्कवर्ड जो उन्होंने प्रॉपर्टीज नू प्रिडिक्ट कर रहे हैं है ना, तो आप एक नॉमनक्लेचर उन्होंने रखा हुआ. ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल देखो अगर उस चलो एग्जाम्पल से आप बात चाहोगे जिदा कि आई जस्ट टेल यू कि फिलहाल भी पीरियोडिक टेबल एलिमेंट नंबर 1, 13, 15, 17 एंड 18 दे आर स्टिल अनडिस्कवर्ड, पहले दे प्रॉपर्टीज को जस्ट प्रिडिक्ट किया गया. तो आप आज कराने की हाउ डू वी नेम देम. ठीक है ना, कि जो पीरियोडिक टेबल अगर तुम चेक करो अपनी बुक खोल के तो इन्होंने नेम्स वही लिखे होंगे जिन्हें आप हम करांगे. सो देखो जीरो ली आप वर्ड यूज करते हैं निल, वन ली अन, टू ली बाय, तीन ली ट्राई, चार ली क्वाड, fourthly quad, fifthly pent, sixthly hex, seventhly sept, eighthly oct, ninthly nine. ठीक है, basically this is the nomenclature used for the elements with atomic numbers more than 100. ठीक है ना, जिनके की बहुत बाद में डिस्कवर हुई है. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल कि जिन्हें की एटॉमिक नंबर 102. वैसे ही एलिमेंट डिस्कवरी के बाद नोबल अल्फ्रेड नोबल ने आपके नेम के पीछे नोबलियम इज द नाम रखता. हुन अगर तुम पीरियोडिक टेबल खोल के देखोगे तो 102 के पीछे की लिखा होगा एलिमेंट का नेम की लिखा होगा नोबलियम. ठीक है ना, बट बिफोर दैट सो बच्चे लाइक कि नोबलियम तो पहला की बोला जाता है ना. हुन देखो अगेन आई रिपीट कि अगर तुम पीरियोडिक टेबल देखोगे तो उसके ऊपर लिखा होगा NO एंड एलिमेंट का नेम होगा नोबलियम. डन, बट बिफोर द डिस्कवरी ऑफ द एलिमेंट जो उसकी प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट किया जाता है तब उसका नेम क्यों लिखते हैं. सो देखो फर्स्ट वर्ड 1,
तो वन थ्री अपन भी यूज करते हैं अन अन जीरो जीरो लिख दे अन निल एंड देन टू अन निल बाय एंड इट ऑलवेज एंड्स विद ईएम जिन्हें कि न्यूक्लियर के लगा है सो आई क्या आ गया यू एम अन निल बाय अन निल बाय डन Another example I'll give you. Like for example, आपको मालूम है atomic number 1.0, ठीक है? Is the nomenclature. तो आपको क्या लिखेंगे? One ले un, again one, फिर un, zero ले nil, un un nilium. Done. So now I tell you कि जिन्हें elements हमें भी discover नहीं हुई हैं, तो हम तो सिर्फ periodic table खोल के अगर ये elements check करोगे तो देखो इससे नीचे की लिखा रहेगा अन अन ट्राय डन इससे नीचे अन अन द पेंट आय सो अन पेंटियम अन अन सेवन इज सेट सो सेप्टियम एट अन अन ऑक्टेव बच्चे डन सो दिस इज अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर्स मोर देन 100 जो कि बहुत लेट डिस्कवर हुई है बच्चे ठीक है ना तो बिफोर दे वर डिस्कवर्ड आप नॉमेनक्लेचर इदा करते थे तो जिम्मे जिम्मे डिस्कवर हुई जा रही है आप नेम्स रिप्लेस करी जा रहे हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल कल अगर अपन एलिमेंट नंबर 1177 मिल जाती है तो आप अनन सेप्टियम के पीछे ओरिजिनल नेम लिख देंगे आप ये भी लिख सकते हैं डजंट मैटर ठीक है ना सो दिस इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर्स मोर देन 100 हुन अपन बच्चे एक टॉपिक करेंगे जिस दे विच आपां ने करना है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेरियस ब्लॉक्स जिवे कि एस पी बी एंड एफ डन सो बच्चे हियर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक मैं उसमें नाम डाली मेंशन करती हूँ प्री ब्लॉक की प्रॉपर्टीज सो दैट वी कैन कंपेयर देम है ना वैसे मैं सुनो सारा टेबल भी फॉर्म करवा ही चुके हैं सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम सो नाउ एस ब्लॉक एलिमेंट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन इट एंटर्स इनटू द एस सबशेल जो पहले दो ग्रुप से है ना अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सबशेल एंटर करेगा तो एस ब्लॉक चाहेंगे ते इधर द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द पी सबशेल सेकेंड पॉइंट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की होगी एनएस वन और टू सो एनएस वन फर्स्ट ग्रुप दे विच एनएस टू सेकेंड ग्रुप दे विच अब ऐसे लिख भी लेने हैं कि ग्रुप्स केड़े-केड़े कवर होंगे ग्रुप्स वन एंड टू ग्रुप वन में आपका की बोलते सी एल्कली मेटल्स ग्रुप टू में बोलते सी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦ ਜਨਰਲ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਐਨ ਐਸ ਟੂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਡ ਐਨ ਪੀ 1 2 6 ਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਸੋ ਗਰੁੱਪਸ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਓ ਦੇ ਆਲ ਆਰ ਸੋਫਟ ਮੈਟਲਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸੋਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਟਿਪੀਕਲ ਦੋ ਮੈਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਵਾਂਗਾ सोडियम इज लाइक पैलेट्स जिदा मोम के टुकड़े नहीं होंगे जिदा आप किसी फेस्टिवल से दिवाली गुरपुरब मोमबत्तियां लगा लेंगे तो पिघल के मोम जो होंगी साइड पर गिर जाती है सो जस्ट लाइक दोज पैलेट्स ऑफ वैक्स सो दे आर ऑल सॉफ्ट मेटल्स पोटैशियम तुम पढ़िया होना जूनियर क्लासेस पोटैशियम कैन बी कट विद अ नाइफ आपने किया रुबीडियम एंड सीजियम दे आर जस्ट लाइक देसी घी They are also known as liquid metals. They are bache non-metals. They are electronegative elements. They are mostly non-metals. Aapne kiya ki P-block has metals, non-metals as well as metalloids. But sabse zyada kisi ke non-metals. So pehli kaha ki they are non-metals. They are mostly non-metals. Very strong metals. So they are all very strongly electropositive. So they are mostly electronegative. Their ionization energy is low. चलो ये अपन इसी चैप्टर के नेक्स्ट पॉइंट आएगा फिर बहुत चंगी तरह आएगा आयनाइजेशन एनर्जी की होती है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन तो बच्चे मेटल्स की डेफिनेशन ही की होती है
कि दे आर रेडी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. द एलिमेंट्स विच आर केपेबल ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेटल्स. सो जिन्हें खुद ही इलेक्ट्रॉन्स देने तैयार है उन्होंने अपन एनर्जी बहुत घट देनी पड़ेगी. सो दे आर आयनाइजेशन एनर्जी इज वेरी 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 लो. ठीक है. नाउ मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स. अपना जो नेक्स्ट चैप्टर अपने करना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बिफोर केमिकल बॉन्डिंग सारे पॉइंट करा बाकी जूनियर क्लासेस भी पढ़िया होना है डिटेल आएगा भी कि मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स जबकि नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. मेटल्स फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स. सो जिन्हें भी तुम कंपाउंड करते हो NaCl कैल्शियम क्लोराइड दे ऑल आर आयोनिक जबकि नॉन मेटल्स दे कैन फॉर्म आयोनिक एज वेल एज कोवेलेंट. आयोनिक कदों बनाते हैं व्हेन दे कंबाइन विद मेटल्स. कोवेलेंट कदों बनाते हैं जो दे कंबाइन विद ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल देखो सोनू कोई पूछे कि NaCl आयोनिक है या कोवेलेंट तो तुम कहोगे सर एक मेटल है एक नॉन मेटल. सोडियम इज अ मेटल क्लोरीन इज अ नॉन मेटल दैट इज आयोनिक. अगर कोई सवाल पूछे कि HCl की है आयोनिक या कोवेलेंट तो हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है क्लोरीन भी नॉन मेटल है सो इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड. यू गेट द पॉइंट. H2Cl2 Br2 I2 सो सारे कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स है क्योंकि टू एटम्स ऑफ अ नॉन मेटल आर कंबाइनिंग. सो व्हेन मेटल्स कंबाइन विद नॉन मेटल्स दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स. व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइन विद ईच अदर दे फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स. देयर हाइड्रोक्साइड्स आर जनरली बेसिक एनएमए ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर एसिडिक. एनएमए भी तुम लिख सकते हो कि देयर ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर एसिडिक. कोई भी चीज बच्चे नहीं समझ आती होंगी ना एग्जाम्पल ले लेकर देखो. आई नेम सम कॉमन एसिड्स जो तुम हूं तक जूनियर क्लासेस पढ़ के आ रहे हो. देखो जो भी एसिड की गल होती है लाइक मैं सब पूछा कि बच्चे कोई एसिड दसो तो मोस्ट सब तो पहला थोड़े सारे दिमाग च कड़ा आंसर आया सर एक्सीएल है ना. सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड. मैं पूछा कि बच्चे कोई हो सो यू विल थोड़ा बहुत सोच के योर आंसर विल बी सर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. Some will now answer HNO3, sir, nitric acid. And somebody can reach till acetic acid, boric acid, carbonic acid, है ना? होने पर मैं सोचता हूँ बच्चे कोई बेस दसो तब सब तो पहला आंसर सर ये आंसर क्या रहेगा सर NaOH, KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सो बच्चे नोट करो जरा इंजीनियर भी एग्जाम्पल्स अपन लेते हैं. एक बार HCl को छोड़ दो हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है सब तो पहले टर्म क्लियर करो. व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोक्साइड्स. अपन कर रहे हैं बेसिक एंड एसिडिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड. सो व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोक्साइड्स जिदे विच हाइड्रोजन भी होवे ते ऑक्सीजन भी होवे है ना. सो देखो OH 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 That is why I told you कि इसमें कुछ छोड़ दो क्योंकि इधर भी ऑक्सीजन नहीं है ना. बट नाउ कम टू द पॉइंट कि ये सारे एग्जाम्पल्स दे विच ओ एंड एच को छोड़ दो व्हाट डू यू फाइंड इन कॉमन एसिड्स दे विच की कॉमन है क्लोरीन सल्फर नाइट्रोजन कार्बन. सो ऑल आर नॉन मेटल्स. सो नॉन मेटल्स फॉर्म एसिड्स. इधर की कॉमन है सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम दे ऑल आर मेटल्स. सो बच्चे मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स. नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स. डन. सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक. सो बच्चे नाउ कम ऑन टू प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. सो इन द प्रॉपर्टीज में बच्चे ज्यादा अपन फिलहाल डिटेल जानने की जरूरत नहीं है बिकॉज एस ब्लॉक तो अपने पूरा का पूरा प्लस वन में करना है चैप्टर वाइज. P block half is in plus 1, half in plus 2. D block पूरे तो पूरा plus 2 चाहिए, ठीक है ना? So, they all are very hard with very high melting points. देखो अपन examples ना अलग करें चमड़ी. देखो जब D block में metals देखो, iron, copper, silver, gold, जो अपन real life देख रहे हैं, है ना? They all are very hard. They all of them their melting points are very 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 high, है ना? Variable oxidation states. देखो बच्चे ऑक्सीडेशन स्टेट्स अपन नेक्स्ट चैप्टर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन समझता ही जाएगा.
फिलहाल तो सिर्फ एंड अप ध्यान रखो कि इट इज समवट रिलेटेड टू वैलेंसीज। एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है वैलेंसीज फिक्स होती है, है ना। देखो ताइयों वो सिर्फ एक कंपाउंड बनाते हैं, लाइक मैं सब एग्जाम्पलीफाई कर रहा हूं NaCl, तुसी कदे भी Na2Cl, NaCl2, NaCl3 ही सुनोगे, है ना। अगर यही मैं सोडियम की जगह ने कैल्शियम यूज कर रहा तो फॉर्मूला की बन जाता CaCl2, ठीक है, तो फिक्स होएगा कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला कभी भी CaCl नहीं हो सकता, इट विल ऑलवेज बी CaCl2। हूं अगर मैं सुनो पूछा कि आयरन का क्लोराइड बनाओ, इट विल बी FeCl2 या FeCl3, तीनों हो सकते, दोनों हो सकते हैं। कॉपर का बनाओ, इट कैन बी CuCl, इट कैन बी CuCl2। सो उनकी वैलेंसीज आर वेरिएबल, ये कहने का पॉइंट। सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव वेरिएबल वैलेंसीज, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। अगेन कितना होता है, किवें होता है, दैट वी विल डू, बट जस्ट एग्जांपल लेके चलो। NaCl अपने घर चुनता है सोडियम क्लोराइड नमक, किस कलर का होता है, व्हाइट। आयरन के कंपाउंड्स ग्रे, कॉपर के कंपाउंड्स कॉपर कलर जो होता है, पित्तल जो वांगू, है ना। गोल्ड गोल्डन, ऑफ कोर्स दे ऑल हैव कलर्स, ठीक है ना। एग्जाम्पलीफाई बच्चे पॉइंट्स में याद करने लिए रियल लाइफ ना उसमें कोरिलेट करो, ठीक है ना। पैरामैग्नेटिक, अब पॉइंट कर चुके हैं कि दे विल बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। क्लासिकल एग्जाम्पल आयरन, उसके कंपाउंड्स, ठीक है ना। सो दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अगेन व्हाई दे आर पैरामैग्नेटिक का पकड़ा गया बाद में। दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, इन्होंने पता कहने कॉम्प्लेक्स जिमें कि एल्कली मेटल्स के कंपाउंड्स आर ऑलवेज सिंपल, NaCl शॉर्ट एंड स्वीट, सिंपल फॉर्मूला, जबकि इन्होंने कंपाउंड्स दे विल बी कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जिन्होंने हम कहने हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। पूरा का पूरा चैप्टर आएगा प्लस टू। सो फिलहाल वी वोंट बी वेस्टिंग टाइम। दे फॉर्म वेरी गुड कैटलिस्ट। हुण तुसी जस्ट कोई भी कैटलिस्ट जो तुसी आज तक सुने हैं, कदे भी कोई भी उसको अपने माइंड च लेके आओ, कोई भी एग्जाम्पल, तो यू विल ऑलवेज फाइंड कि दैट कैटलिस्ट बिलोंग्स टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो तुसी प्लस टू सॉरी तुसी टेंथ दे विच कार्बन एटम्स कंपाउंड्स एक रिएक्शन कीती सी, इथीन प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू इथेन, CH3CH3 डन। इसके ऊपर तुसी की लिखते सी निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम। सो दे एक्ट एज कैटलिस्ट्स, ठीक है ना। कैटलिस्ट की होगा जो रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे अपने अकॉर्डिंग, है ना। सो देखो निकल प्लैटिनम पैलेडियम दे ऑल बिलोंग टू डी ब्लॉक, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू एमोनिया, आयरन एक्ट्स एज द कैटलिस्ट। When nitrogen and hydrogen react to give ammonia, iron acts as a catalyst. The iron belongs to D block. So, jinne bhi D block elements hai, jinne bhi catalysts hai, sorry, they all belong normally to D block. Again, why they can act as catalyst? S block kyun nahi act kar sakta? P block kyun nahi act kar sakta as a catalyst? O sab apna jo chapter karange plus two D block da, odo karange. But filhal, you just need to know by commonly known examples. Studied examples, ki they act as very good catalysts. Fine. So this is about the properties of D block elements. Bache, F block their properties, since they are placed within that, theek hai? One of their properties are very similar, bilkul ditto same at the union. So that you can read from the notes. They are given at page number 7. Page number 6 and 7. Theek hai na? So basically तुसी page number 7 तक जिथे दिता हुआ है properties of F block, तुसी उथों तक notes नू read out कर लियो, ठीक है। कल अपा topic करांगे कि अगर अपा नू किसी element का atomic number दिता है, like for example मैं सुनूं कहा कि atomic number is 62, ठीक है, तो दसो कि it belongs to which block, S block, P block, D block, F block, which group, एक तो लेके 18 तक, which period 1 to 7। सो कल आपां करना है कि एटॉमिक नंबर तो या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो हाउ डू वी कम टू नो अबाउट द ब्लॉक ग्रुप एंड पीरियड ऑफ एन एलिमेंट, टू विच ब्लॉक ग्रुप या पीरियड एन एलिमेंट बिलोंग्स,
फाइन। सो तुसी एथों तक रिवाइज कर लेना, अपना होमवर्क या असाइनमेंट कंप्लीट कर लेनी है, डाउट्स ले वी विल मीट एट द इवनिंग। सो टिल देन कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, ठीक है बच्चे, एंड स्टे फिट एंड फाइन। थैंक्स अ लॉट।